Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. I hope you all people will be fine. In previous lecture we have studied about bowel and bowel system and simple harmonic motion. Today we will discuss about vibration, time period, frequency, amplitude, and in the end we will discuss about oscillations. तो सबसे पहले बात करते हैं हम वाइब्रेशन की. व्हाट इज वाइब्रेशन? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये हमारे पास किसी भी बॉडी की मोशन है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, जिस तरह की हमने मैस अटैच टू द स्प्रिंग सिस्टम में पढ़ी थी, उसके बाद बाल एंड बाउल सिस्टम में पढ़ी, उसके बाद हमने सिंपल पेंडुलम के अंदर पढ़ी. तो उन सब में एक चीज़ हमने देखी थी कि कोई भी बॉडी जो है वो अपनी मीन पोजिशन के आगे पीछे जो है वो मूव करता है. तो फर्स्ट टाइम मैं कहता हूँ कोई भी बॉडी जो है, या हम यहाँ पे सिंपली बात कर लेते हैं सिंपल पेंडुलम की, अगर हम उसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेकर आके छोड़ते हैं तो वो अपनी मेन पोजीशन की तरफ ट्रेवल करेगा, तो फिर यहाँ पर स्टे नहीं करेगा ड्यू टू इनर्शिया. तो ये अगेन अपनी मोशन अदर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लेके जाएगा, एक लम्हे के लिए यहाँ पे रुकेगा, उसके बाद दोबारा जो है वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा और ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स ये अगेन जो है ये मेन पोजीशन की तरफ ट्रेवल करेगा और फिर यहाँ पे आगे ड्यू टू इनर्शिया ये स्टे नहीं करेगा बल्कि अपनी मोशन को अनदर एक्सट्रीम पोजीशन पर की तरफ दोहराएगा. तो अब इसने क्या किया, एक चक्कर जो है वो कंप्लीट कर लिया, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं वन कंप्लीट राउंड कर लिया इसने. तो इसको बोलेंगे हम कि इसने एक वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट कर ली. तो अगर बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की तो वो कुछ यूं है, one complete round trip of vibrating body about its mean position is called vibration. तो इसको हम vibration का नाम देंगे. उसके बाद बात करते हैं हम time period की. What is time period? तो अब फर्ज करें हम कि इस बॉडी ने जिसकी हम सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे थे कि इसने एक राउंड ट्रिप मुकम्मल करने के लिए कितना टाइम लिया, वो उसका क्या कहलाएगा टाइम पीरियड. यहाँ से ये चल के इधर मीन की तरफ आया, मीन से फिर एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से फिर मीन, मीन से फिर एक्सट्रीम तक आया. तो इसने कुछ ना कुछ तो टाइम लिया होगा. तो एक राउंड ट्रिप मुकम्मल करने के लिए जितना ये टाइम लेगा ये उसका क्या कहलाएगा टाइम पीरियड. तो इसकी डेफिनेशन फिर हम कुछ यूं करेंगे, इसकी डेफिनेशन आप बात कर लेते हैं इसकी. द टाइम टेकन बाय vibrating body to complete one round trip is called time period और इसको हम डिनोट करेंगे यहाँ पे कैपिटल टी के साथ. जिस तरह हमने टाइम पीरियड पढ़ा था सिंपल पेंडुलम का, उसके बाद हमने टाइम पीरियड पढ़ा था मैस अटैच्ड टू द स्प्रिंग सिस्टम. तो जनरली तौर पर हम टाइम पीरियड को शो करेंगे टी के साथ, कैपिटल टी के साथ. उसके बाद बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी की. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? अब देखें इस बॉडी ने एक सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट की, फर्ज करें एक सेकंड के अंदर के 10 वाइब्रेशंस कंप्लीट कर लेता है, तो इसकी 10 वाइब्रेशंस जो होंगी वो कितनी क्या कहलाएगी, 10 फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। वो अगर ये एक सेकंड के अंदर 20 फ्रीक्वेंसीज अगर 20 वाइब्रेशंस कंप्लीट कर लेता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि इसकी फ्रीक्वेंसी एक सेकंड के अंदर जितनी ये वाइब्रेशंस कंप्लीट कर लेता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, तो वो इसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इसकी आ जाएगी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस टू कंप्लीट the number of vibrations to complete the number of vibrations complete beat in 1 second by vibrating body is called frequency। तो इसको हम फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे और इसको डिनोट करेंगे हम स्मॉल f से। तो यहाँ पर अगर हम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपस में रिलेशन बनाना चाहें तो वो कुछ यूं होगा हमारे पास। T इज इक्वल टू 1/f। मसलन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। जिस बॉडी का टाइम पीरियड ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं तो उसका टाइम पीरियड जो है वो कम हो जाएगा, ये क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं f इज इक्वल टू, ये t इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/t। तो ये थे हमारे पास इसके रिलेशंस। उसके बाद बात करते हैं हम डैम्प्ड ऑसिलेशन की। What is damped oscillation? हमने mass attached to the spring system पढ़ा, ball and bowl system पढ़ा, simple pendulum पढ़ा। तो इन सब के अंदर हमने ideal case जो था वो डिस्कस किया था। क्योंकि अगर mass attached to the spring system की बात करते हैं तो उसमें हमने जो surface ली थी वो frictionless थी। अगर तो वो फ्रिक्शनलेस है इसका मतलब क्या है, उसके अंदर किसी किस्म की रेजिस्टिव फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रही होती और मोशन जो है उसकी कंटिन्यू रहती है। उसके बाद बात करते हैं हम बॉल एंड बाउल सिस्टम की। तो वहाँ पर भी हमने फ्रिक्शनलेस जो थी उसकी सरफेस ली हुई थी ताकि किसी किस्म की फ्रिक्शन ना प्रोड्यूस हो, एयर रेजिस्टेंस ना उसके अंदर प्रोड्यूस हो। सिमिलर केस जो है वो सिंपल पेंडुलम के लिए कि सिंपल पेंडुलम के ऊपर भी जो थी किसी किस्म की तो रेजिस्टिव फोर्स हमने वहाँ पे डिस्कस नहीं की। फर्स्ट करें जिस तरह ये हमारा सिंपल पेंडुलम था, यहाँ पे हमने एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाके इसको छोड़ा। अब देखें जैसे ही हमने इसको क्या किया है एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाके छोड़ते हैं तो ये क्या करता है अपनी मीन पोजीशन के इर्द-गिर्द वाइब्रेट करता है। लेकिन जब एक्चुअली हम रियल केस की बात करते हैं, रियल लाइफ की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है, बल्कि जैसे ही आप इसको एक्सट्रीम पोजीशन ए के ऊपर ले जाके छोड़ोगे तो ये जो है एक वक्त ऐसा आएगा कि ये अपनी इक्विलिब्रियम या फिर रेस्ट पोजीशन में जरूर आएगा। तो सबसे पहले इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उसके बाद इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है, फिर उसके बाद और डिक्रीज हो जाता है, फिर और डिक्रीज, फिर और डिक्रीज, फिर एक वक्त आता है इसका एम्पलीट्यूड जो है वो जीरो हो जाता है। तो ये देखिए हर बार इसका एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस भी हमारे पास कुछ ऐसी ऑसिलेशंस हैं, ये ऐसी ऑसिलेशंस हैं जो कि रेजिस्टिव फोर्सेस की मौजूदगी में होती हैं, उसको हम नाम देते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है, व्हाट इज डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशंस the oscillations produced in the presence of some resistive forces is called damped oscillation. तो ये हमारी आ गई damped oscillations। अगर इसकी ग्राफ की बात करें टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, तो हमने हॉरिजॉन्टल यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो डिस्प्लेसमेंट ले ली है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लेंगे टाइम। तो इसका ग्राफ कुछ यूँ होगा, सबसे पहले जो है इसकी मैक्सिमम जो है वो एम्पलीट्यूड होती है, जब टाइम गुजरना शुरू हो जाता है तो इसकी ये एम्पलीट्यूड जो है वो हर बार जो है वो कम रिड्यूस होता एक वक्त ऐसा आता है कि इसका एम्पलीट्यूड एक वक्त ऐसा आता है कि जीरो हो जाता है, मीन्स जीरो डिस्प्लेसमेंट आ जाता है और वो बॉडी जो है वो रेस्ट में आ जाती है। इसी तरह इसकी एप्लीकेशन की हम बात करते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन की, ये इसकी कॉमन एग्जांपल है शॉक ऑब्जर्वर। ये अक्सर कारों में यूज़ करते हैं इसलिए ताकि गाड़ी किसी स्पीड ब्रेकर से गुजरे तो वहाँ पर किसी एक्सीडेंट का शिकार ना हो। तो हम करते क्या हैं, ये हमारे पास है ये वाली साइड जो है वो हम अटैच कर देते हैं कार के फ्रेम के साथ, इस वाली साइड को, और फिर इसी तरह इस वाली साइड को हम जो है वो अटैच कर देते हैं कार की एक्सल के साथ, और इसके अंदर हमने लगा रखा है एक पिस्टन, ये पिस्टन है और इसके अंदर ऑयल भर दिया हुआ है। अब जैसे ही गाड़ी स्पीड ब्रेकर से गुजरती है तो ये एनर्जी जो होती है वो अब्जॉर्ब कर लेता है, ये ऑसिलेशंस यहाँ पे जो प्रोड्यूस होती हैं ये उसकी एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देता है और जज़ब कर लेता है, जिसकी वजह से कार को जो है वो जंप कम लगता है या और कतरे कम लगता है एज कम्पेयर टू अगर वहाँ पर ये शॉक ऑब्जर्वर नहीं लगा होगा। उसके बाद यहाँ पे एक टर्म हमने छोड़ दिया, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड जो है वो हमारे पास क्या है, बेसिकली मीन पोजीशन से किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन का जो फासला होता है उसको हम नाम देते हैं एम्पलीट्यूड, या फिर इस तरह भी हम इसको शो कर सकते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट amplitude. The maximum displacement displacement from mean position to extreme position is called amplitude तो ये था हमारा एम्पलीट्यूड। इसके साथ ही जो है वो हम अपना टॉपिक जो है वो फिनिश करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।